साधन के ही सिद्ध हो गए, बिना किसी माँ बाप के ही हो गए, और जिसके नाश होने का कभी डर न हो, है ना? बिना किसी कारण के ही हमेशा से हो गए, और जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती हो, समाधि साधन की जरूरत नहीं पड़ती हो, और जिसके नाश का कोई डर न हो, ऐसा जो अपना आत्मा है, ब्रह्म है, वो तो है असली सिद्धि और बाकी सब है असिद्धि। इस असिद्धि को समझने के लिए सिद्धियों की जरूरत पड़ती है। माने किसी को कोई सिद्धि मिल जाए तो ये ना समझे कि हमको ईश्वर मिल गया। कहाँ तक तुम्हारी गति है इसकी पहचान बता दो। एक आदमी ने कहा, हम छोटा से छोटा रूप धारण कर सकते हैं, हमको ये सिद्धि मिल गई। तो महात्मा ने पूछा कि वो जो छोटा रूप है वो अणु का ही छोटा रूप है ना, परमाणु है ना? तो परमाणु तो भूत का होता है, मिट्टी पानी आग वायु का परमाणु होता है। अभी उसी में मैं करके तुम बैठे हो, अपने छोटे परमाणु रूप को ही अपना मैं मानते हो। अभी तो परमात्मा तुमसे बहुत दूर है बाबा, छोड़ो, इस परमाणु में मैं पना मत करो, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये अणिमा सिद्धि का खंडन समझो। ये कण 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 की उपाधियां जितनी है, उनमें से किसी एक कण को, परमाणु को मैं समझ करके बैठना अणु हो जाना है, और इसीलिए अपना बड़कन समझते हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं, अभी तो तुम मिट्टी पानी आग वायु इन चार भूतों के परमाणु में से किसी एक परमाणु में मैं करके बैठे हो, इससे तुमको अणिमा सिद्धि प्राप्त हुई है। अभी तुम परमात्मा तक नहीं पहुंचे, पंच भूतों में ही फंसे हुए हो, ये तुम्हारी सिद्धि झूठी। अब देखो, एक आदमी है जो बड़ा हो जाता है, उसको महिमा सिद्धि बोलते हैं, पर्वताकार हो गया। तो बोले, कहाँ है भाई उसका मैं, कहाँ है? बोले, विस्तार में, लंबाई चौड़ाई, दीर्घ व्यायाम। ये क्या है? कहे तो देश का धर्म है, ये जो अणु है ना वो वस्तु का धर्म है, बोला। और ये जो विस्तार है ये देश का धर्म है। बोले, हमें तो परमात्मा मिल गया, क्यों? तो हम जब चाहे जब धरती के बराबर हो जाए, पहाड़ बन जाए, ब्रह्मांड बन जाए, लंबे चौड़े बन जाए। बोले, ना, ये देश का धर्म है, अभी तुम्हें परमात्मा नहीं मिला बाबा। ये सब जो मिथ्या भूत वस्तुएं हैं, इन्हीं में तादात्म्यापन में हो करके, इन्हीं में मैं करके तुम फंसे हो, तब तुम्हें महिमा सिद्धि मिली है। जो युवराज महाराज, ये अनात्मा है, ये दृश्य है, ये जड़ है, ये विकारी है, इसको छोड़ करके अपने सत्य आत्मा को जाने, इस महिमा सिद्धि में मत फंसे। अब तीसरी जो सिद्धि बताई थी वो क्या है? तो यह लघिमा,
लघुना सिद्धि क्या है? हल्का हो जाना। ये हल्का हो जाना क्या है? काल के जो खंड हैं, काल के खंड, इनमें कोई भार नहीं होता है। काल के जो अवयव होते हैं, क्या काल परमाणु गई जो गिनते परमाणु का, जितनी देर में सूर्य एक परमाणु का उल्लंघन करता है उस काल को परमाणु बोलते हैं। तो वस्तु का जो परमाणु होता है इसमें तो भार होना संभव, क्योंकि दो परमाणु से फिर अणु बना और अणु से फिर दो अणु से फिर प्रसरणु बना। इस क्रम से जब प्रसरणु में भार आ गया, जब अणु में भार आ गया, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि संभव है परमाणु में भी कोई भार हो गए। परंतु काल के जो परमाणु होते हैं, एक क्षण हुआ, सेकंड हुआ, सेकंड के कई टुकड़े कर दिए, ये बिना भार का अंत होता है। तो उस काल के अवयव में जब मैं करके बैठते हैं, उस परमाणु में, ये जो है ना परमाणु मय चित्तम भूतानां मयि रंजयन काल सूक्ष्मार्थतां योगी महिमानं अवाप्नुयात। महिमा नाम की सिद्धि कब प्राप्त होती? लघिमानं अवाप्नुयात। ये लघिमा नाम की सिद्धि कब होती है? जब काल के परमाणु की उपाधि में परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो वो शून्य होता है, वो धार रहित तो होता है। उसमें मैं जाने से, उसमें मैं का तादात्म्य कर देने से मनुष्य भार रहित हल्का होकर के जहाँ चाहे वहाँ उड़ जाए। ये योग की प्रक्रिया है। तो कोई योगी जो है वो हल्का हो गया, उड़ने लग गया, बिना भार का हो गया, लघिमा सिद्धि उसको प्राप्त हो गई। तो बोला आपको हमको ईश्वर मिल गया? तो नहीं नहीं, अभी तो तुम काल के सिक्के में फंसे हुए हो, उसको मैं करके बैठे हुए हो, इसलिए यहाँ से अपने को हटाओ। तो वस्तु के परमाणु से अणिमा सिद्धि और देश की महत्ता से महिमा सिद्धि और काल की अणुता से लघिमा सिद्धि प्राप्त होती है। अपने आप को या परमात्मा को जहाँ मिला दो, तो यही परमात्मा, ये दोनों में सिद्धि मिलेगी, प्रतीक उपासना में भी और अहंग्रह उपासना में भी। यदि कहो कि यही परमात्मा है तो भी सिद्धि मिलेगी, और कहो कि मैं ही यह हूँ तभी सिद्धि, तब भी सिद्धि मिलेगी। अब प्राप्ति नाम की सिद्धि का वर्णन करते हैं। धारयन् मय्यहं तत्र मनोवैगारिकेऽखिलं सर्व इन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तुं प्राप्नोति तन्मनाः। ये हमारे एक महात्मा है आनंद स्वामी, पहले आर्य समाजी थे, अभी आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के नेता हैं। लाहौर में पहले रहते थे, अब जब तो पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान में आ गए। तो आर्य समाज के लोग सिद्धियों पर जरा कम विश्वास करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। स्वामी दयानंद ही नहीं करते थे। तो वो और गए हैं, दो तीन बरस या चार बरस मान सरोवर कैलाश की यात्रा पर गए। इन्होंने स्वयं लिखा है, बोले कि हम यात्रा कर रहे थे मान सरोवर से थोड़ी दूर पर रह गए थे, तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि वहां पहाड़ में कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। तो मैंने अपने साथ जाने वाले कुली से कहा कि वो क्या है? तो बोला कि बाबा वहां गुफा है और लामा लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाते हैं, पता नहीं वो मार डालें क्या करें, लामा लोग वहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो जाएंगे। उसने कहा कि हमारी कहीं मत नहीं है, हम मना करते हैं, तुम्हें जाना हो जाओ, लेकिन हम मना करते हैं तुमको। तो माने नहीं, वहां चले गए। गए तो जाके देखा एक बड़ा जटाधारी साधु, जिसकी दाढ़ी भी बड़ी और मीठे भी बड़ी और बरौनियों से भौहों के बाल से उसकी आंख फटी हुई और बैठ के ध्यान कर रहा था, ऐसा उन्होंने लिखा। थोड़ी देर के बाद उसने आंख खोली और हमको देखा तो बोला कि सुताल चंद है, तुम कैसे आए? और इनका नाम पहले सुताल चंद था, वो हिंदी मिलाप के संपादक थे, अब उनका नाम आनंद स्वामी है, जिंदा है अभी, बना।
तो किसान चंद ने कहा कि आप हमारा नाम कैसे जान गए? बोले कि जान गए इसलिए कि हम तुम दोनों साथ साथ पहले कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं तो योगाभ्यास करने के लिए पहाड़ में आ गया और तुम वहीं रह गए, तो मैं तब से यहाँ आकर के योगाभ्यास करता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ और अमित मेरा नाम है और हम लोग कॉलेज में ही पढ़ते थे, वही मैं हूँ। तब वो लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तुमको 40 वर्ष हो गया योगाभ्यास करते, कुछ तुमको सिद्धि मिली, कुछ देखा तुमने क्या है? बोले कि ज्यादा सिद्धि तो हमको नहीं मिली, लेकिन अब इतना विश्वास हो गया, हमारी निष्ठा हो गई कि योग शास्त्र में जो सिद्धियों का वर्णन है तो सच्चा है। बोले कि क्या तुमने क्या देखा, हमको बताओ कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम शांति से बैठो। जब वो बैठ गए तो उन्होंने अपना आसन बांध के प्राणायाम किया तो उनका शरीर धीरे 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 धरती छोड़ करके उठने लगा और गुफा के छत से जाने लगा। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना प्राणायाम छोड़ा तो ईंट आ गए धरती पर। तो कुशाल चंद्र जी ने लिखा है कि इतनी बात मैंने अपनी आंख से अपने मित्र के शरीर में देखी। इससे ये मालूम होता है कि मनुष्य चाहे तो अपने शरीर को हल्का करके ऊपर उठ सकता है। पर जब एक सिद्धि ये ठीक उतरी तो दूसरी सिद्धियां भी ठीक जरूर उतरती होंगी। ऐसा उन्होंने तो पहले वो आर्य समाजी बहुत बड़े थे, कट्टर भी थे। जब मैं गीता प्रेस में था ना कल्याण के संपादन में, तो वहाँ वो आए थे तो उनसे थोड़ी जान पहचान भी थी, इसलिए उनकी लिखी हुई बात पर ज्यादा रुचि हुई, ध्यान देके मैंने पढ़ा। तो ये जो सिद्धियों का वर्णन है शास्त्र में, इसको बिना किए बिना धरे बिना मिले बिना गिने ये समझ लेना कि ये झूठी है, ये तो गलत है। और फिर सृष्टि विज्ञान के साथ उनका बड़ा भारी मेल भी पड़ता है। धारयन्मय्यहं तत्र मनोवैचारिके कुलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तुं प्राप्नोति मन्मनाः। भगवान कहते हैं कि भाई सिद्धियां देता तो मैं ही हूं, मुझ में मन लगाने से ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मनमना सिद्धिम प्राप्नोति। पर कहो भाई कि प्राप्ति नाम की सिद्धि कैसे मिलती है? अरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति, प्राप्ति नाम की सिद्धि कैसे मिलती है? उसका उपाय बताते हैं कि वैकारिक जो अहम तत्व है, वैकारिक माने सात्विक, अहंकार के तीन भेद होते हैं, सात्विक राजस और तामस। तो सात्विक अहंकार जो है वो देवता मन और इंद्रियों का कारण है। तो उस सात्विक अहंकार तत्व की उपाधि से जो परमात्मा का चिंतन करता है कि ये परमात्मा संसार में जितनी इंद्रियां हैं, जितने मन हैं और जितने देवता हैं, सबके मूल कारण ये परमात्मा है, अहम तत्व रूप परमात्मा। अहंकार तीन तरह का, सात्विक राजस तामस। उसमें सात्विक अहंकार देवता मन और इंद्रियों का कारण, तो देवता मन और इंद्रियों के कारण भूत अहम तत्व को परमात्मा का स्वरूप समझ करके, जैसे आप काल ज्ञान की शिला को ईश्वर समझ करके उसकी पूजा करते हैं, वैसे उस सात्विक अहंकार तत्व को यदि भगवान की मूर्ति समझ करके पूजा करें, ये अपने दृष्टा आत्मा को इसके साथ मैं करके अनुभव करें, दोनों हालत में ये सिद्धि होगी। तो क्या होगा? धारयन् मय्यहं तत्वे मनो वैकारिके कुलं, सारा मन इसमें लगा दो। सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तुं प्राप्नोति मन्मनाः। तब क्या होगा कि ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्र वरुण सम्राट पशु पक्षी संसार में जितने प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों से, बाहर की इंद्रियों से और भीतर की इंद्रियों से जितनी वस्तुओं का अनुभव होता है, उन सब वस्तुओं का अनुभव तुमको होने लग जाएगा। प्राप्ति माने किसी प्राणी की इंद्रिय से कभी भी पहले आज और आगे जो भी इंद्रिय हो अनुभव हो सकता है,
उस अनुभव को आज ही यदि करना हो तो संपूर्ण देवता मन और इंद्रियों के कारण रूप सात्विक अहंकार को परमात्मा की मूर्ति समझ करके इसका चिंतन करो, ध्यान करो, अथवा अपना स्वरूप समझ करके इसमें तादात्म्यपन्न हो जाओ। दोनों ही तरह से ये होगा कि प्राप्तिम प्राप्नोति। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं रह जाएगी जो तुमको मिली हुई न हो, सब चीज मिल जाएगी। जो इंद्र खा सकते हैं वो तुमको खाने को मिलेगा, जो ब्रह्मा देख सकते हैं वो तुमको देखने को मिलेगा, जो रुद्र सोच समझ सकते हैं वो तुमको सोचने समझने को मिलेगा। ये प्राप्ति नाम की सिद्धि होगी। बोले अब परमात्मा मिल गया तो सीताराम कहो अभी परमात्मा नहीं मिला, है ना। ये तो संसार के विषयों की प्राप्ति अहंकार तत्व के साथ एकता होने के कारण ही परमात्मा को इससे बहुत जुदा है। आत्मा आत्म तत्व जो है वो बहुत जुदा है। ये तो एक छोटी सी सिद्धि है, इससे और आगे बढ़ना होगा, इसको छोड़ना होगा। महत्यात्मनि सूत्र धारेण मई मानकम प्राकाम्यम कारणस्यम विजन्मनः विष्णु त्रेधीश्वर चित्तम धारे काल विग्रह स्वीतमोदी क्षेत्र क्षेत्र तो महत्त्व जो है तीन तरह का है, एक ज्ञान शक्ति प्रधान, एक क्रिया शक्ति प्रधान और एक द्रव्य शक्ति प्रधान। तो तमह प्रधान जो महत्त्व है वो द्रव्य शक्ति प्रधान होता है, रजस प्रधान जो महत्त्व होता है वो क्रिया शक्ति प्रधान होता है, और सत्व शक्ति प्रधान जो महत्त्व है वो ज्ञान शक्ति प्रधान होता है। तो अब यहाँ सूत्र कह करके बताते हैं कि क्रिया शक्ति प्रधान जो महत्त्व है उसको समझो कि ये भगवान की मूर्ति है। भगवान की मूर्ति की उपासना में भी वो फर्क होता है। इसका मतलब ये सोने की मूर्ति बनाई तो उसमें से उसकी पूजा करी, पार्थिव लिंग की पूजा करी, नर्मदा लिंग की पूजा करी, शालग्राम की पूजा करी, चांदी की मूर्ति, पटक की मूर्ति, जैसे मूर्तियों में भेद होता है ना, वो ऐसे अपने मन में भगवान की मूर्ति कैसी बनाई। तो मूर्ति ऐसी बनाई कि क्रिया शक्ति प्रधान जो महत्त्व है वही भगवान की मूर्ति है। ये भगवान है, संसार में जितनी क्रिया हो रही है बुद्धि पूर्वक हो रही है, तो संपूर्ण विश्व सृष्टि के मूल में जो समष्टि बुद्धि है इस बुद्धि से प्रेरित जो समष्टि में क्रिया है उस क्रिया शक्ति का जो आधार है उसको बोलते हैं सूत्रात्मा। उस सूत्रात्मा को परमात्मा समझ करके जो अपना मन उसमें लगाता है उसको क्या मिलता है, तो प्राकाश्यम प्राकाम्यम पारमेश्यम में बिंदते व्यक्त जन्मना। उसको ब्रह्मा ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी को जो भोग प्राप्त होता है, अर्थात संपूर्ण विश्व सृष्टि में जितने भोग हैं उन संपूर्ण भोगों के दर्शन का सामर्थ्य इसमें मिल जाता है। इसको प्राकाम्य सिद्धि बोलते हैं। वो लिखने में कभी कहीं कोई ऐसी गलती बीच में हो गई और पंडित से ही हुई, मूर्ख से नहीं, क्योंकि इसकी टीका में श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि ऐसा चिंतन करने से संपूर्ण भोग के दर्शन का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। प्राकाम्य सिद्धि क्या है, सांख्य तत्व कौमुदी ने ये सांख्य कारिका पर टीका है, वाचस्पति मित्र की सांख्य तत्व कौमुदी, तो उसने सिद्धियों का अच्छी तरह से विस्तार करके वर्णन किया हुआ है और योग दर्शन में तो है ही व्यासवास में। तो संपूर्ण भोग के दर्शन का जो सामर्थ्य है उसका नाम प्राकाम्य सिद्धि है। अब दर्शन का सामर्थ्य है ये बात किसी पंडित ने जब पढ़ी तो उसको प्राकाम्य शब्द नहीं जचा, उसने प्राकाश्यम कर दिया, लेकिन बाकी सब शास्त्रों में इस सिद्धि का नाम प्राकाम्य सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि लिखा हुआ है और अर्थ वही है जो यहाँ किया गया है। और दूसरी जो पुस्तकें मिलती हैं, क्योंकि जब गीता प्रेस से ये पुस्तक छप रही थी ना तो कोई 100 तरह की पुस्तक भागवत थी, 12वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की जितनी लिखी हुई मिल सकी समझो, तो 100 तरह की पुस्तक इकट्ठी की गई थी।
तो उनको सबको देख दाख करके ये निश्चय हुआ कि यहाँ प्राकाम्यम पाक ही प्राचीन है और उस सिद्धि का नाम प्राकाम्य सिद्धि है। तो ब्रह्मा माने समष्टि का जो अंतकरण है, उस अंतकरण को जिस धर्म से सारे भेद प्राप्त हो सकते हैं, उसी प्रकार इस अव्यक्त गणना से सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अब आगे बताते हैं इसी सिद्धि, क्योंकि काल सबका नियंता है। तो विष्णु त्र्यधीश्वर चित्तम भार एक काल विग्रह, काल ही है विग्रह जिसका। ऐसे त्रिगुण के स्वामी विष्णु में जब अपने चित्त को लगाते हैं, माने काल को ही मूर्ति मान करके जब परमात्मा की त्रिगुण माया के स्वामी परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब उनके साथ एकता हो जाती है। और एकता हो जाने पर क्या होता है, ईशित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। ये ईशित्व नाम की सिद्धि क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनाम, जितने जीव हैं और जीवों के जितने शरीर हैं, उनको प्रेरित कर सकना, उनको चला सकना अपने संकल्प के अनुसार, ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बनाने की सिद्धि नहीं प्राप्त होती, चलाने की सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि बनाने की सिद्धि केवल संपूर्ण सृष्टि को बनाने की सिद्धि केवल ईश्वर को ही प्राप्त है, दूसरे को प्राप्त नहीं है। जीव को यदि कोई सिद्धि ध्यान से प्राप्त होगी तो वो आंशिक होगी, वो एक जिला बना सकता है, एक प्रांत बना सकता है ना, 10-20-50 गांव बना सकता है, आदमी बना सकता है, लेकिन समूची सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य दूसरे को प्राप्त नहीं होता, संचालन का सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। तो क्षेत्र क्षेत्र यशोदनाम नारायण क्रिया से भगवत शब्द शब्द मनोमय्या दशद योगी मत धर्मा दशित। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरा नाम है नारायण और मैं हूँ प्रिय मूर्ति वासुदेव, और भगवान शब्द से मुझे ही कहा जाता है। यदि मेरी इस मूर्ति को ही आधार बना करके कोई अपने मन को इसमें धारण करेगा तो जो धर्म मेरे अंदर है वो धर्म उसके अंदर आ जाएगा और वो संपूर्ण विश्व सृष्टि को वश में कर सकेगा और संपूर्ण इंद्रियां मान देवता सब उसके वश में हो जाएंगे। निर्गुणे ब्राह्मणमयी धारयन विषदम मन परमानंदम आपनोती यत्र कामो वसीयते। भगवान कहते हैं कैसा, जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें अपने निर्मल मन को धारण करो। निर्गुण ब्रह्म को मेरी मूर्ति मान करके और उसमें अपने मन को लगाओ तो परमानंद की प्राप्ति होगी। तो इससे क्या होगा, तो यत्र कामो वसीयते, यहाँ सारी कामनाओं का अंत हो जाएगा, निष्कामता रूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने से, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दूसरा होता है और ध्यान दूसरा होता है। ध्यान करने से निष्कामता रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान निवृत्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होकर के आवरण भंग हो जाता है और बंधन निवृत्त हो जाता है और जीवन मुक्ति हो जाती है निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से। और यदि निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे तो ध्यान करने से क्या होगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और उससे निष्कामता नाम की सिद्धि, सारी कामनाओं का जहाँ अंत हो जाता है। यत्र कामो वसीयते, अवसीयते माने समाप्यते, जहाँ संपूर्ण कामों का अवसान हो जाता है वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अवसीयते समाप्यते, अवसीयते शब्द का अर्थ है समाप्त हो जाना, दिवस का अवसान समीप का, अवसान माने अंत। अवसीयते श्वेत पतौ चित्तां शुद्ध धर्म मयेमयि धारयन् श्वेततां जाति शबीर्मिरहितो नरः। श्वेत द्वीप के स्वामी अनिरुद्ध जी महाराज, वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण और अनिरुद्ध, भगवान की चार मूर्ति है। तो श्वेत द्वीपाधिपति जो भगवान का रूप है वो अनिरुद्ध मूर्ति है। इसकी मूर्ति भी अलग अलग होती है, प्रद्युम्न मूर्ति श्याम वर्ण की है और अनिरुद्ध मूर्ति श्वेत वर्ण की।
जब नारद जी श्वेतक द्वीप में गए तो यहाँ पेड़ भी श्वेत और पौधे भी सफेद और फूल भी सब श्वेत, वहाँ की स्त्रियाँ श्वेत, वहाँ के पुरुष श्वेत है, और वहाँ एक आराध्य देव सत्यगुरु की उपाधि से अनिरुद्ध भगवान चार भुजा उनके भी, परंतु गौरवर्ण बना गौरवर्ण वो शुद्ध है, धर्ममय है। यदि उन्हीं को परमेश्वर समझ करके उपासना की जाए, उन्हीं साक्षात परमेश्वर है, तो क्या होगा कि मनुष्य स्वयं भी श्वेत हो जाएगा, श्वेत माने निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और सदूर्मी रहता काम क्रोध लोभ मोह इनसे रहित हो जाएगा। माने जीवात्मा की शुद्धि के लिए, शुद्धि रूप सिद्धि की प्राप्ति के लिए, ये गुण हेतु शुद्धि इसको बोलते हैं, शुद्धि जो है वो एक गुण है। तो अपने को शुद्धि रूप सिद्धि से युक्त करने के लिए श्वेत द्वीपाधिपति दूध का समुद्र, और इसमें श्वेत ही श्वेत, श्वेत ही श्वेत, श्वेत ही श्वेत, ऐसे अनिरुद्ध भगवान का ध्यान करना, काम क्रोध लोभ सब दोष दूर हो जाएंगे। मैया काशात्म प्राणे मनसा घोष मुद्वान तत्रोपलब्धा भूतानां अंशो वाचः श्रोत्यसौ। वायु मन, वायु और आकाश, इन तीनों को एक में मिला करके, माने प्राण को शब्द करके, मन को एकाग्र करके, आकाश को चिंतन में यदि मन को लगा दें, आकाश माने आकाशोपाधिक परमात्मा निराकार ईश्वर, उनका यदि चिंतन प्रारंभ करने लगे तो क्या होगा कि आकाश में जितने शब्द हो रहे हैं वो सब के साथ शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं। बोला ऐसे ग्रंथ जिनका लोप हो गया है, यदि आप मन प्राण और आकाश तीनों को एक करके और ये कहें ये परमात्मा का स्वरूप है और इस ध्यान में मग्न हो जाए, तो अब तक जितने ग्रंथ बने हैं, जितने शब्द बोले गए हैं, इनमें से जितना सुनना चाहे उतना सुन लें। देखो शब्द सुनने वाले में देश की उपाधि तो आज ही मिट गई, ये रेडियो से जो दूसरे देश में बोला हुआ शब्द यहाँ सुनाई पड़ता है ना, अरे भाई अमेरिका में बोला गया, रूस में बोला गया, यहाँ कैसे सुनाई पड़ता है? ये जो पराकित भेजते हैं वायुमंडल के ऊपर, वहां से भी ध्वनि भेजी जाती है और उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो दूर देश का श्रवण तो होता ही है। अब ये हुआ कि दूर काल का श्रवण होवे कि नहीं होवे, तो देखो जब टेप करके रख लेते हैं तो दूर काल का भी श्रवण होता है, कल का बोला हुआ आज सुनाई पड़ सकता है। तो ऐसे यदि पूर्व पूर्व में बोली हुई चीजें कहीं रिकॉर्ड की हुई है तो उनका आज श्रवण हो सकता है कि नहीं? तो ये कहते हैं कि ये जो आकाश है शब्द का आधारभूत, इसमें जितने शब्द बोले जाते हैं वो सचमुच रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनको सुनने की मशीन अपने पास नहीं है, है ना? और मशीन है भी तो सुई को जिस मीटर पर लगाना चाहिए उस मीटर का पता नहीं है, तो अपने मन की सुई को इसी मीटर पर लगा दें तो उस काल में, अब काल के हिसाब से लगाना, अभी तो देश के हिसाब से लगाते हैं ना, इस देश का है ये, इस देश का है ये, इस देश का है, अब देश और काल दोनों का मीटर मिल जाए, है ना? अमुक काल में, अमुक देश में, अमुक ढंग से कौन सी बात बोली गई है, ऐसी कोई मशीन मिल जाए, और वो मशीन बाहर नहीं अपने तो भीतर ही सारी मशीन बनी हुई है, है ना? और ध्यान के द्वारा वो यंत्र तैयार होता है। ऐसा यदि ध्यान किया जाए तो जो दूर दूर काल की और दूर दूर देश की और ब्रह्मा आदि की बोली हुई जो वाणी है उसको भी ज्ञान में श्रवण कर सकते हैं। चक्षुष्करी संयोग्यस्कार मत चक्षुषि माम तत्र मनसा अभियायन विश्वम पश्यति सूक्ष्म दृक। अब बताते हैं दूरदर्शन कैसे होता है, दूरश्रवण और दूरदर्शन, दूरदर्शन कैसे होता है? तो ये सूर्य जो है ये भगवान की एक मूर्ति है, भूमन ज्ञानम सूर्य संयमा, कच्चा माने सूर्य, चक्षु स्वस्कर संयोज्य, स्वस्का माने सूर्य, ये विश्वकर्मा भी बोलते हैं उनको, बढ़ाई बढ़ाई,
ये क्या है, ये कहते हैं ना कि सूर्य का एक टुकड़ा जो है वो गिर पड़ा, अलग हो गया सूर्य से, उसके लिए धरती बन गई। ये धरती को गढ़ने वाले स्वच्छता यही है। तो नेत्र को सूर्य में और सूर्य को नेत्र में, और दोनों के मिलित रूप में परमात्मा का जब ध्यान किया जाता है मन से, तब दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, और दृष्टि सूक्ष्म हो जाने पर संपूर्ण विश्व का दर्शन होने लगता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संगमात, वेद दर्शन में जो सिद्धि बताई हुई है ये है कि सूर्य में संगम करने से चौदह भुवन का ज्ञान हो जाता है। मनोमय सुसंगे ज्यो देहम सदनुभावना मध्यारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र दही मनः। कहते हैं कि प्राण वायु शरीर और मन तीनों को एक में मिला करके जब परमात्मा में ज्ञान मग्न किया जाता है, तब मेरी धारणा के प्रभाव से ऐसी स्थिति हो जाती है वायु मन और प्राण की एकता को, कि जब मन और शरीर दोनों एक हो जाते हैं, जब एक हो जाते हैं तो जहाँ मन होता है वही शरीर पहुंच जाता है। गति रहती है प्राण की, शरीर जो है वो तो द्रव्य है, और गति है प्राण में और संकल्प है मन में। तो संकल्प गति और देह रूप द्रव्य ज्ञान से जब तीनों की एकता हो जाती है, तब जहाँ मन जाता है वहाँ शरीर पहुंच जाता है। इसीलिए देवियों के बारे में कहा जाता है कि वो उड़ के पहुंच जाते हैं। ये हमारे गोपीनाथ कविराज के जो गुरुदेव थे, कविराज जी तो अभी आई है, उनके गुरु थे विशुद्धानंद जी महाराज, गंधी बाबा के नाम से वो बनारस में प्रसिद्ध थे। तो इनकी सिद्धि तो बहुत थी, और वो बताते भी थे दिखाते भी थे। एक बार हनुमान प्रसाद जी पोद्दार उनके पास गए कि हमको कुछ सिद्धि दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि अब ये पोद्दार जी की सही बात है ना, जो वो तो बहुत भले लोग हैं है ना, और ये लोग किसी की तारीफ भी जल्दी में नहीं करते थे है ना, बड़े पक्के हैं। तो उन्होंने उनकी बताई हुई बात है कि मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मुझे कुछ सिद्धि दिखाइए। तो बोले कि क्या देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे कृष्ण का दर्शन कराइए, ये सिद्धि में क्या। बोले अच्छा देखो। तो इन्होंने अपनी आंख की पलक हाथ से दिखा दी और मुझसे कहा कि मेरी आंख में देखो। तो मैंने देखा कि जीते कीटी होती है ना, कीटी के बराबर एक मूर्ति, जो रंग जिसका सावरा नंगी की बांसुरी और जरा सा पीता अंदर, कीटी के बराबर की मूर्ति उनकी आंख में इधर से उधर घूम रही है। तो ये बात मैंने उनकी आंख में देखी। ये तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कहना है। अच्छा, वो जो बताते थे वो कहते थे कि मैं अपने घर पर कभी बहुत दुखी हुआ, और दुखी हो करके कलकत्ते के पास उनका घर था गंगा जी के किनारे पे, तो डूबने के लिए गंगा जी में गया और जाके किनारे बैठ के सोचने लगा कि बस अब मरने का दिन आ गया, अब आज गंगा जी में डूब के अपना शरीर छोड़ दूंगा। इतने में मुझे ये दिखा कि एक कोई व्यक्ति डूबता उतराता हुआ गंगा जी में बार बार डुबकी लगाता है और निकलता है। पानी तो बहुत है लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, पानी बहुत है बार बार वही डुबता है और वही निकलता है। तो मैं तो डर गया कि कोई भूत है प्रेत है क्या है। अब मैंने ये विचार किया था कि मैं गंगा जी में कूद पड़ू तो आत्महत्या करने के लिए, तो जो कूद पड़ा तो उस आदमी ने हमको पकड़ लिया और पकड़ के हमको उड़ा के आकाश के रास्ते से वो आदमी उड़ा के हमको ले गया हिमालय में। कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो ये बात स्वयं बताते थे और वहाँ जा करके बड़े बड़े सिद्ध योगियों से उनकी मुलाकात हुई और क्या क्या भी नहीं करके वहाँ से आए। तो वही ये उद्धार जी को उन्होंने अपनी आंख में ये सिद्धि दिखाई थी। तो कहने का अभिप्राय है कि शरीर प्राण और मन तीनों को एक करके जब परमात्मा का चिंतन करते हैं,
तो प्राण के साथ एकता होने के कारण उड़ने की शक्ति आ जाती है, संकल्प उसका उड़ाने वाला ड्राइवर बन जाता है, और देह जो है वो प्राण से मिल करके, वायु से मिल करके तत्काल जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। यदा मनो जागायो यद्यद् रूपम् विभूषति तत्तद् भवेन् मनोरूपम् मद्योग बलमाश्रयः। संसार में जो वस्तुएं बनती हैं वो पंचभूतों से उपादान से बनती हैं। मनुष्य को कैसे करना, बोले मन का ही उपादान बनाना, मसाला हो मन का, और मन का मसाला बना करके मेरा आश्रय ले करके, मेरे योग बल का आश्रय ले करके, उस जो जिस जिस रूप को तुम बनाओगे और उसके साथ बैठ करोगे, तादात्म्यापन्न हो जाओगे, उसी रूप की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब यह है कि रूप जो होता है वो मन से होता है, मन से रूप बनता है। एक बार मैं ड्यूटी में था तो दो साधु आए मेरे पास। अब देखने में बिल्कुल स्त्री मालूम पड़े, उनके मुंह की बनावट, उनके शरीर की और गठन। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग ऐसे क्यों हो, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल स्त्री शरीर की तरह मालूम पड़ता है, जन्म से ही ऐसे हो। बोले तो नहीं, जन्म से ऐसे नहीं है, हम सखी रूप का ध्यान करते करते ऐसे हो गए हैं। हम ये ध्यान करते हैं कि हम भगवान की सखी हैं, तो सखी रूप का ध्यान करते करते इनके शरीर में स्त्रीत्व का विकास हो गया था। हमारे पास एक ब्रह्मचारी रहते थे, तो इनका बोलना चलना, उनके इशारे, उनकी आंखों के संकेत बिल्कुल ऐसे ही था जैसे स्त्री। घर लीपने में उनको बहुत मजा आता, रोटी बनाने में बहुत मजा आता है। तो मैंने कहा कि तुम तो भाई हमारे पूर्व जन्म की सात ही मालूम पड़ते हो। लोग चिढ़ाने लगे, बाद में तो लोग उनको चिढ़ा देते थे। तो मैंने बिल्कुल स्त्री समुचित कई उनके शरीर में अधिक से अधिक थी। तो ये कहाँ से आता है, ये ध्यान से आता है। मन का उपादान बना करके तुम जैसा रूप ग्रहण करके भीतर ही भीतर ध्यान करो, वैसा रूप मन की सुंदरता तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। अपने मन में सुंदर होने का ध्यान करो तो सुंदर हो जाएंगे। और ये ध्यान करो कि मैं तो बहुत रूप हूँ, रोज मरहम पट्टी लगाने की शरीर में जरूरत है, तो और चेहरा बिगड़ता जाएगा और रंग रोगन की जरूरत और बढ़ती जाएगी। तो रंग रोगन की जरूरत नहीं बढ़ा करके बहुत सुंदर अपने मन में बन करके भगवान के पास जाना चाहिए, यही सौंदर्य का मूल है। परकायम विसंसिद्ध आत्मानं तत्प्रभावे पिंडम हितवा विशेष प्राणो वायुभूत सदंग्रवत। बोले भाई यदि दूसरे के शरीर में प्रवेश करना हो तो चाहिए साधक को कि जिस शरीर में प्रवेश करना चाहता है उसी शरीर में अपना चिंतन करे और अपने इस शरीर का ख्याल छोड़ दे। थोड़े दिनों में उसको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि वो धीरे धीरे जिसके शरीर में अपने को ध्यान करे उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। जैसा कि वो कीड़े का सदंग्री का होता है, भौरे का होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। मन जैसे भौरा एक पुष्प से दूसरे पुष्प, एक पुष्प में है वो और दूसरे पुष्प में गया, तीसरे में गया, जैसे उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, इसी प्रकार योगी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है और वो एक शरीर में दूसरे शरीर में जा सकता है। कार्षिया पीदिय दिदम प्राणम हृदुरक्षं समूर्धति आरोप्य ब्रह्म रंध्रेण ब्रह्म निश्चे तनोम। अब स्वच्छंद मृत्यु जब चाहे तब मर सकता है। ये परकाय प्रवेश वाली जो सिद्धि है इसके संबंध में भी शंकराचार्य की तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि वो मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करके उन्होंने काम शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन बाद में भी ऐसा कई योगियों के संबंध में सुना गया है, गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ आदि के बारे में भी सुना गया है कि वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते थे और
कई जो योगियों के बारे में ज्यादा जानकारी लोग रखते हैं वो बताते हैं कि अब भी ऐसे योगी हैं जो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन वो गुप्त रखते हैं। पर ये सारी बातें भौतिक हैं, इसका ब्रह्म ज्ञान के साथ या ईश्वर ये नहीं समझना कि ये जिसको मिल गया उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है। पार्थिया पीज्य दुदम प्राणम ऋदुरू। अब स्वच्छंद मृत्यु कैसे होती है? तो एड़ी से जुदा स्थान जो है उसको दबा करके ऐसे ढंग से सिद्धासन से बैठे और फिर अपने प्राण को धीरे धीरे हृदय में छाती में कंठ में सिर में ले आ गए और ब्रह्मरंध्र के रास्ते से ब्रह्म में एक मिला करके शरीर का परित्याग करें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने पर जब वो चाहे तब प्राण को रोक ले और जब चाहे तब प्राण को ले जाए। बिहरिष्यन् पुरात्रीनि मत्स्थम तत्त्वम् विभावयेत् विमाने नोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्ति सुरस्त्रियः। यदि देवताओं के लोक में उनके वन में उद्यान में विहार करना चाहता हो तो भगवान में जो स्थित तत्व गुण है भगवान की मूर्ति रूप जो तत्व है उसका चिंतन करना चाहिए। तब तत्व गुण की वृत्तियां जो अप्सराएं हैं वे विमान लेकर के उपस्थित होती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। यथा संकल्प वेद बुद्धिया यदादा मत्पर कुमान मई सत्य मनोजुंजन तथा तत्समुपास्मृते। मनुष्य जब जहाँ जिस ढंग से संकल्प करता है और भगवान का आश्रय लेकर के भगवान का चिंतन करता हुआ सत्य रूप भगवान में अपने मन को लगाता है वो तब वो सत्य संकल्प हो जाता है उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। योगी मद्भाव आपन्ना ईशित कुमान कुतस्किन न विहन्ये तो सत्यज्ञा जथा मम। भगवान कहते हैं कि मैं सबका ईश्वर हूँ और मैं सबके वश में किए हुए हूँ इसलिए जो मेरी भाव से मेरी भावना से युक्त होकर के मुझसे एक हो जाता है मुझ में अपने को मिला देता है और फिर कोई आज्ञा देता है उसकी आज्ञा कहीं किसी के द्वारा भी काटी नहीं जाती सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मदभक्त्या शुद्ध तत्वस्य योगिनोद्धारणा विदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर् जन्म मृत्यु पब्रह्मता सर्वज्ञता आदि सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? बोले मेरी भक्ति करते करते जिस योगी का अंतकरण सिद्ध हो गया है और धारणा के रहस्य को वो जानता है जब वो सर्वज्ञता में संयम करता है तो उसकी बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने लगती है और जन्म और मरण को भी जानने लगती है। अग्निधिर नहे तो मुले जो गमयन मगो मदजो ग्रांत चित्त्यो या दशा मुदकम यथा। जब मनुष्य का शरीर योगमय हो जाता है तब आग से जलता नहीं पानी से जलता नहीं। तो भाई ये कैसे होगा कि पानी में शरीर रहे और गले नहीं? बोले या दशा मुदकम यथा। देखो पानी में मछली रहती है कि नहीं, मेढक रहते हैं कि नहीं, उनके भी तो शरीर है ना, वो पानी से क्यों नहीं गलता है? बोले वो ऐसे ढंग का बना है कि पानी में ही रहने लायक है। तो आखिर वो मसाला ही तो है ना कोई जो पानी में रहता है और गलता नहीं। ऐसे योगाभ्यास के द्वारा योगी के शरीर में तत्वों का ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि वो द्वंद सहन कर सके, आग से जले नहीं, आग से गले नहीं और पानी से गले नहीं। हमको अपने बचपन की एक बात याद है आपको सुनाते। हमारे गांव में गोड़ था, गोड़ तो वो क्या करता कि जो जंजीर होती है ना लोहे की उसको आग में बिल्कुल लाल लाल कर लेता और लाल लाल करने के बाद उसको हाथ से धोता हो, हाथ उसका हाथ बिल्कुल नहीं जलता। आग पर अंगारे उठा करके बचपन में हम लोगों ने देखे थे वो दिखाता और विषाद जो गांव के थे वो साल भर में एक बार
ऐसा आयोजन करते कि आग की पत्ती यहाँ से वहां तक बना देते और इस पर पैदल पांव से चल करके नंगे पांव उसको पार करते और पांव जलता नहीं था। तो इसमें कुछ जादू टोना भी होता है, कुछ दवा भी होती है, दोनों बात है। तो उस गोण में ये बताया कि जब मेढक मार करके और उसकी चर्बी अपने हाथ में पूरी तरह से पोत लेते हैं नहीं? तो आज हाथ पर उठा लो तो हाथ जलता नहीं है नहीं? ऐसे कई युक्तियां भी लोगों के पास होती हैं, लौकिक युक्तियां जिनके द्वारा ऐसा करते हैं। ये जो लाल रंग की दवा आती है ना पोटाश और ग्लिसरीन है ना, ग्लिसरीन, इन दोनों को रुई पर पोटाश रख करके उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दो, आग लग जाती हो। ग्लिसरीन पोटाश और रुई तीनों एक में मिली और वो जलने लग गया। तो ये लोग चमत्कार जो है ये चमत्कार दिखाते हैं कुछ दवा से, कुछ मंत्र से, कुछ मछली वगैरह में चिड़िया में अभी उड़ने की जो ताकत है वो जन्म से ही है, कुछ तपस्या से शक्ति मिलती है और कुछ समाधि से एकाग्रता से चित्त की, कुछ तकलीफ उठाने से सिद्धि मिलती है, कुछ मन की एकाग्रता से मिलती है, कुछ मंत्र से मिलती है, कुछ औषधि से मिलती है, कुछ जन्म से होती है। तो तटे गंजा नहीं खाता है, तब ये संसार की जो चर्बी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, ये शरीर को सताते नहीं। तो इसमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई कि नहीं? ईश्वर की प्राप्ति अभी नहीं हुई। अभी ईश्वर की प्राप्ति से जो इसमें फंस जाएगा उसको ईश्वर का चिंतन तो नहीं होगा और दूसरी चीजों की याद आने लग जाएगी। अब हमारे अंदर ये सिद्धि मिल गई, ये सिद्धि मिल गई। एक सज्जन ने जाकर 12 बरस आराधना योगाभ्यास किया तो उनको क्या सिद्धि मिली कि पानी पर खड़ाव उनकी डूबती नहीं थी, खड़ाव पहन के पानी पर चले खड़ाव डूबती नहीं थी। 12 बरस के बाद घर आए, उनके पिताजी थे तो उन्होंने पूछा बेटा क्या सिद्धि करके आए? बोले ये सिद्धि करके आए कि खड़ाव पहन के नदी पार कर सकते हैं। वो बोले कि हम तो मल्लाह को 2 पैसा देते हैं और नदी पार हो जाते हैं, तो 2 पैसे में जो काम हमारा बन जाता है वो तुम 12 बरस में बना के आए, क्या बना के आए? अब तो यही कर सकते हो कि लोगों को बुलाओ और कहो कि देखो हमारा तमाशा, हम पानी पर चलते हैं और उनसे लोग भेंट पूजा पैसा उनसे इकट्ठा करो और लोगों को नदी पर चल चल के दिखाओ, और तुम्हारी सिद्धि में रखा क्या है? अविद्या नीति जन्म मरण छूटा, परमेश्वर की प्राप्ति हुई और नहीं हुई तो इन सिद्धियों में क्या रखा है? मद विभूति रविध्यायन श्री दत्तास्त्र विभूषिता जगात पत्र स्वभवे अपराजिता। परंतु ये भगवान की ऐसी लीला है महाराज कि भगवान की विभूतियों के ध्यान में जब इतनी करामात है तो परमात्मा स्वयं प्राप्त हो जाए तब तो कहना ही क्या है। कहिए तो देखो ना कि इससे विश्वास कितना बढ़ता है। श्री वक्त भगवान के अस्त्र, इनसे विभूषित भगवान की विभूतियों का जो ध्यान करता है, उनके ध्वजा, उनके छात्र, उनके व्यजन, ये भगवान के वैभव जो है, वैभव प्रदर्शन, उनका जो ध्यान करता है वो कहीं पराजित नहीं होता है। उपासकस्य मानेवम योग धारणया मुने सिद्धय पूर्व कथिता उपतिष्ठन्ति। इस प्रकार जो ईश्वर की उपासना करता है, भगवान में अपने मन को लगाता है, योग धारणा के द्वारा जितनी सिद्धियों का पहले वर्णन किया गया है, वे सारी की सारी सिद्धियां यदि वो चाहे तो उसके पास आ सकती हैं। और सच पूछो तो भगवान का जो भक्त है, प्रेमी है, उसके लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। जितेन्द्रियस्य दान्तस्य शान्तस्य जितस्वासात्, जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितस्वासात् मनोमुनेः मद्धारणां धारयतः काका सिद्धि सुदुर्लभा। अंत में भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया और अपने वश में कर लिया
और जिसने प्राण को और शरीर को अपने काबू में कर लिया और मेरी धारणा कर रहा है किसी भी वस्तु में, उसके लिए ऐसी कौन सी सिद्धि है जो दुर्लभ हो गए, सारी सिद्धियां तो उसके पांव पड़ते हैं। सिद्धस्य वित्ति तथा इंद्र सिद्धि, जो सिद्ध वस्तु है वही वेदांत प्रमाण के सामने टिकता है। जितने से मौजूद सिद्ध सत्य वस्तु है वो वेदांत ज्ञान के सामने वही चीज केवल टिकती है। सिद्धस्य वित्ति और सतः एव सिद्धि, जो सद्वस्तु है परमात्मा वही केवल सिद्ध है। स्वप्न समाना खल सिद्ध अन्या, और सिद्धियां तो सपने की तरह आती हैं और जाती हैं। बहुत सारी सिद्धियां सपने की तरह आई और गई। हमको भी कभी कभी ऐसा भ्रम होता था कि हमको ये सिद्धि आ गई है ना, तो आई दो दिन आई फिर चली गई, छह महीने रही फिर चली गई। कोई बरस वक्त कोई सिद्धि मालूम पड़ती थी कि आ गई, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती है। टिकाऊ परमात्मा ही होता है। हमने भी सिद्धों का संग किया, देखा तो कोई कोई सिद्धि मालूम पड़ती थी, भ्रम हो जाता था कि ये सिद्धि आ गई है ना। फिर बरस छह महीने में जैसे सपना टूट गया है ना, वही काम वही मैं वही वो, फिर कुछ नहीं। सपने कमाना फलित दया, ये सब सपने के खेल है। हमारे अभी भारत वर्ष में समझे इतने सिद्ध भूतपूर्व सिद्ध, भूतपूर्व सिद्ध इतने परिचित हैं, जो हरी सभा में विचारे कहते हैं कि भाई पहले तो हमारे अंदर ये सिद्धि सचमुच थी और अब नहीं है। ऐसे सच्चे जो ईमानदार है पर भूतपूर्व सिद्ध है, वर्तमान नहीं है, भूतपूर्व है। बोले हमारे अंदर ये सिद्धि आई थी, जरूर थी, जरूर पर अब नहीं है, चली गई। तो जैसे धन आता है और जाता है, और जैसे भोग आते हैं और जाते हैं, जैसे जवानी आती है और जाती है, ऐसे ये भी साधना का एक वेग ही है, साधना की एक जवानी, साधना का एक नशा, साधना का एक वेग। बड़े बूढ़े लोग इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, इनको बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, शुद्र समझते हैं। अंतरायान बदंतीता जिंजते वेगमात्मन मया संपद्य मानस्य काल क्षपण ही तव। अंतरायान बदंतीता जिंजते वेगमात्मन, वो कथा भी तो आपने सुनी होगी ना कि ये सिद्ध हो गए थे है ना, तो उनके ऊपर एक चिड़िया बीत कर गई तो क्रोध की आंख से देखा तो वो चिड़िया जल के गिर गए। अब वो एक स्त्री के घर में गए, वो पतिव्रता थी है ना, और उससे कहा कि तुम हमको ये चीज ला के दो। उसने कहा फेरो, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी नहीं देते हैं। तो सिद्ध जी को क्रोध आ गया, जब क्रोध की आंख से उसकी ओर देखा तो वो बोली कि मैं चिड़िया नहीं हूं जो जल के गिर जाऊंगी। बोले अरे तुमको कैसे मालूम हो गया कि तुमने योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त की है? मैंने पातिव्रत धर्म पालन करके सिद्धि प्राप्त की है, और मुंह करके इसे आसमान में छोड़ दिया, वही संगा का संगा रह गया, और जो चीज वो मांगते थे ला के उनको दे दिया है ना। तो अब उस स्त्री के लिए वो देख करके चिड़िया को खत्म कर देना एक बहुत मामूली बात, शुद्र बात थी। ये विश्व सर्वोत्तर पुराण में ये कथा आई है, और बहुत करके कथा वाचक लोग इसको ज्यादा करके सुनाया करते हैं। अंतरायाम कदम पीता युजते योगमोत्तम, जो लोग उत्तम योग का अभ्यास करना चाहते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए होता सिद्धि ही अंतरायाम बदंती। इनके लिए ये तीन सिद्धियों को अंतराय बोलते हैं। अंतराय माने देखना, हमारे और ईश्वर के बीच में आकर के पर्दा खड़ा हो जाए, कोई पर्दा पड़ गया, काल क्षपण हे तवह। जो ईश्वर से मिलना चाहता है
उसके लिए तो ये समय को व्यर्थ करना है, इन सिद्धियों के बीच में, इन सिद्धियों के बीच में पढ़ना। कालक मया कंपत्यमान काल क्षपण हेतव, समय बेकार करना है अपना इन सिद्धियों के चक्कर में पढ़ना, क्योंकि ये परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है। ये स्पष्ट ही ईश्वर को ईश्वर रूप से जानना नहीं है, ये जो है ना ये सिद्धि जिससे होती है जो सदाई धारणा है, ये परमात्मा को परमात्मा के रूप में जानने का नाम सिद्धि नहीं है। आत्मा और परमात्मा के एक जानने का नाम सिद्धि नहीं है। जो अनात्म वस्तु है, अन्य वस्तु है, जड़ वस्तु है, उसको मूर्ति बना करके उसमें परमात्मा का चिंतन करने से ही आत्मा का चिंतन करने से सिद्धि होती है। तो ये स्पष्ट ही अनात्मा में आत्मचिंतन को प्रोत्साहन देने वाली सिद्धियां हैं। जो इनसे मिलता है वो इंद्रियों का भोग, और जिससे मिलता है वो अनात्मचिंतन। अनात्मचिंतन से इंद्रियों का भोग मिला तो इसमें कहां से साधन हुआ और कहां से सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो जन्मऊ सभी तक मंत्र जागतीरी है सिद्धया, जो नात्मोपिता सर्वा नाम जगतिम्रवेश। उन सिद्धियां जो है वो कई तरह के होते हैं, एक जन्म से ही होती है। जैसे देवता में जन्म से ही सिद्धि होती है कि अंतर्धान हो जाए और प्रकट हो जाए। जैसे जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, वो पानी में जो के पैर खड़े हैं, ये सिद्धि इनके प्राप्त हो। कई सिद्धि आएगी है जो आकाश में जहां की तहां खड़ी हो जाती है, ये इनमें जन्म की सिद्धि है। कई सिद्धि जो है वो औषधि से मिलती है, पारा पारद आदि के सेवन से ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि उड़ जाए शरीर को चेताल खाई कर ले। कई सिद्धि तपस्या से मिलती है, कई मंत्र से मिलती है। तो इन चीजों से जो जो सिद्धियां मिलती हैं वो सब भगवान की भक्ति करने से मिल सकती है। परंतु भगवान की भक्ति करने से जो अंतकरण की सिद्धि और परमात्मा की प्राप्ति होती है वो दूसरी साधना से नहीं होती है। सर्वा कामति सिद्धि नाम हे सुस्पति रहम प्रभु अहम जो गस्त सांख्यो धर्म से ब्रह्मवादिनाम अहम आत्मांतरो वांगे नागृत सर्वदेहिनाम यथा भूतानि भूतेषु गैरंत स्वयं तथा। अब भगवान अपना वर्णन करते हैं। तो देखो सिद्धियों का तो वर्णन कर दिया, लेकिन ये सिद्धियां आती कहां से हैं? सर्वा कामति सिद्धि नाम हेतु पति ही अहम प्रभु हूँ। जितनी भी सिद्धियां हैं उनका कारण मैं हूँ। कारण माने बाप, मैंने ही तो ये सिद्धियां बनाई है। तो तुम्हें कोई सिद्धि पानी हो तो मुझसे कहो ना। कहे कोई बेटा है जो करोड़पति का बेटा है और 5 रुपए के लिए वो किसी के पास भीख मांगने गया, कर्ज लेने गया, मजदूरी करने गया, तो उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम 5 रुपए के लिए नौकरी क्यों करते हो, कर्ज क्यों लेते हो, भीख क्यों मांगते हो, हमसे ले लो ना, क्योंकि हमारी वजह से तो बहुतों को पैसा मिलता है, मैं तो रुपयों का बनाने वाला हूँ, खजाने का मालिक हूँ, है ना। भक्त से भगवान कहते हैं कि बेटा दूसरे के पास सिद्धि के लिए मत जाओ, मैं ही उसका कारण हूँ हेतु हूँ। और फिर उनको रखने वाला कौन? पति माने पालन का, उन सिद्धियों को बनाए रखने वाला भी मैं ही हूँ। और प्रभु माने देने न देने में समर्थ सामर्थ्य वाला भी मैं ही हूँ। न केवल सिद्धियों का बल्कि अहम देवस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम का इसको ज्ञान दे देता है। ज्ञान दे दिया, मोक्ष हो गया। बोले तो ज्ञान या खत से देने से हो जाता है? अगर ज्ञान देने से हो जाए तो ऊंट को बैल को सभी को ज्ञान दे दिया जाए और सब मुक्त हो जाए? तो
यानी ज्ञान जब अधिकारी पुरुष को दिया जाता है तब होता है। ये ऐसा नहीं समझना कि लाउड स्पीकर लगा के और गांव में सबको सत्वमति सुनाया जाए तो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझना कि सबको अपनी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप को समझने की योग्यता होगी वही ना उसको समझेगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए तो धर्म की जरूरत पड़ती है, धर्मानुष्ठान करो, अपने परम पति अपने परम पिता अपने परम प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करो, ईश्वर खुश हो गए, ईश्वर खुश हो गए तो तुम्हें धर्म दे और धर्म से अंतःकरण शुद्धि हो तब ज्ञान मिले, ज्ञान से मुक्ति हो। तो भगवान ने कहा धर्म का मालिक भी मैं ही, बोला मैं ही धर्म देता हूँ, मैं मनुष्य को धर्मात्मा बना करके उसकी अंतःकरण का शोधन करता हूँ, मैं ही उसको तत्व ज्ञान दे करके अज्ञान का निवारण करता हूँ और मैं ही बंधन को काट करके मुक्त करता हूँ। बोले हमको देखते हैं ब्रह्मवादी लोग जो वेद के जो विद्वान हैं ब्रह्मज्ञानी उपनिषद जानने वाले वेदांति, उन्होंने धर्मानुष्ठान किया, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो मुक्त हो गए, इसलिए तुम कहा। बोले नहीं, ब्रह्मवादियों के भीतर ब्रह्मज्ञानियों में जो धर्म है तो मैं, ब्रह्मज्ञानियों में जो ज्ञान है तो मैं, उनमें जो आत्मा परमात्मा का मिलन है तो मैं। बोले ऐसा भी कैसे, अहम आत्मांतरो बाह्यो नावृत गर्भदेहिनाम यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। अंत में एक ऋषभ जो श्रुति है, श्रुति को ही अर्थतः भगवान बोल रहे हैं, अहम आत्मा मैं ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूँ। आत्मा माने ये जो मैं अलग अलग बोल रहे हैं, खुदर गुदुर होता है ना, दाल पत्ती है तो खुदर गुदुर होता है। हम पहले विद्यार्थी थे तो बनाते थे बनारस में, हम भी दाल चावल बनाते थे, अपने हाथ से बनाते खाते थे, तो खुदर गुदुर होता है, दाल पत्ती है तो खुदर गुदुर होता है। तो पानी तो सब बटने में है और खुदर गुदुर अलग अलग, तो सबके शरीर के भीतर आत्मा नाम की जो धातु है तो कहे, और ये जो खुदुर गुदुर है ना, मैं ये खुदुर गुदुर है, कहिए मैं ये मेरा, ये मैं मेरा ये तो खुदुर गुदुर हो रहा है। अच्छा, तो ये खुदुर गुदुर जो मैं मेरा हो रहा है, ये मैं मेरा किस धातु में हो रहा है, तो पानी में, तो इसी परमात्मा में अहम अहम इति ब्रह्म रूपेण भाति। एक ही परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में बैठ करके अंतःकरण की जबान से अलग अलग मैं बोलता है। ये कही अहम आत्मा अंतर, क्योंकि सर्वांतर है वो, जबकि शरीर में एक ही है। बोले अंतर जो है तो बाह्य कौन है, तो बाह्य भी वही है, बाहर भी वही है। बाह्यभ्यंतरो यजा, श्रुति कहती है बाहर भी वही भीतर भी वही है। ये इस सपने में एक आदमी भगवान का ध्यान कर रहा है, एक आदमी देख रहा है सपने में कि ये आदमी बैठ के अपने शरीर में ध्यान कर रहा है चतुर्भुज नारायण। सपने में हमको ये दिखाई पड़ा कि हमारा मित्र है वो दूसरे आदमी के शरीर में ध्यान करने वाला बन करके भगवान का ध्यान कर रहा है। भीतर तो देखने वाले का मन है, कहाँ है तो सही, पर ये जो देखने वाले का शरीर है वो क्या है, बोले वो भी तो मन ही है ना। मैंने समझे कि 10 आदमी सपने में देख रहे हैं, 5 आदमी ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, 5 आदमी धन का स्त्री का शत्रु का ध्यान कर रहे हैं। बोले उनमें जो मन है वो तो सपना देखने वाले का मन ही 10 हिस्से में बस चीज देख रहा है। तो बोले हाँ,
दस चीज दस मन बन के तो देख रहा है, लेकिन एक दस शरीर कौन बना हुआ है? तो दस शरीर भी तो सपना देखने वाले का मन ही बना हुआ है ना। तो इसी प्रकार ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसमें न केवल आत्मा ही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, बल्कि ये सब के सब बाहरी शरीर भी परमात्मा के स्वरूप है। अनावृत पर्वे इनाम, सब शरीरधारियों में बिना किसी पर्दे के, माया अविद्या कुछ नहीं है, बिना किसी पर्दे के वही वही है। ऐसा दृष्टांत देके बताओ, तो दृष्टांत देके बताते हैं। यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा, तो बोले कि एक है, एक घड़ा है, एक पेड़ है। तो पेड़ कैसे बना? तो पंचभूत से बना। तो पेड़ का जो बाहरी हिस्सा है छिलका, वो पंचभूत से बना है कि नहीं? और उसके भीतरी हिस्सा जो रस है तो वो भी पंचभूत से ही बना है। और उसमें जो फल में जो स्वाद है, जो पत्ते में रंग है, तो वो भी पंचभूत से बना है। पंचभूत ही पेड़ का भीतर है और पंचभूत ही पेड़ का बाहर है। अब घड़े में समझो एक इंच मोटी मिट्टी की दीवार है। अब ऊपर ऊपर तो वो मिट्टी है बाहर बाहर, और एक इंच के आधा इंच को इधर कर दो और आधा इंच को उधर, बीच में जो मिट्टी है तो क्या है? तो वो भी मिट्टी है। इसी प्रकार ये बाहर भीतर जो मालूम पड़ता है, यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा, जैसे संसार के दिखने वाले प्राणियों में, दिखने वाले पदार्थों में बाहर भी पंचभूत, भीतर भी पंचभूत, स्वयं भी पंचभूत, ऐसे ही ये जो समूची सृष्टि दिखाई पड़ रही है, प्रकृति से लेकर के एक तृण तक और ब्रह्मा से लेकर के मच्छर तक, धुएं तक, जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये सब की सब परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए सिद्धि विद्धि का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य को शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अनुभव के लिए विवेक प्राप्त करना चाहिए। विवेक की प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और नहीं तो अशुद्ध अंतःकरण होगा तो दुनिया भर की बात सोचोगे, ईश्वर के बारे में नहीं सोचोगे। बोले हम कैसे समझे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध की अशुद्ध? कहिए, किसी दूसरे के बताने की बात नहीं है, वो तुम खुद ही देख लो ना कि तुम्हारा अंतःकरण ज्यादा देर तक किन बातों के बारे में सोचता है। अगर ईश्वर के बारे में सोचता है तो तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, और दुनिया के दोस्त और दुश्मन और चीजों के बारे में और भोगों के बारे में और कामों के बारे में और कमाई के बारे में सोचता है तो तुम्हारा चित्त अशुद्ध। ये दूसरे के बताने की बात नहीं है, तुम खुद खोट पीट करके देख लो कि ज्यादा देर तक तुम्हारा चित्त ईश्वर के बारे में सोचता है कि नहीं। ये 15वां अध्याय पूरा हो गया। अब 16वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है, जैसे गीता के 10वें अध्याय में है उस ढंग का। तो वैसा होने पर भी इसमें कई विशेषता है। एक तो जितनी विभूतियों का नाम गीता के 10वें अध्याय में है, उससे बहुत अधिक यहाँ 16वें अध्याय में है। और दूसरी बात यह है कि वहां विभूतियों का निषेध करके परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का वैसा साफ वर्णन गीता में नहीं है जितना इसमें है। इसमें निषेध के द्वारा, विभूतियों के निषेध के द्वारा भी परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है, और उसमें केवल विधान के द्वारा ही परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है। इसलिए इसका ये प्रसंग विभूति योग जो इसका है, अब ये 16वें अध्याय में आता है और अंत में इसका उपसंहार बहुत बढ़िया है। तो आज क्या तारीख हो गई? 7 हो गई। 8 और 9 दो दिन में तो प्रातःकाल विभूति योग होगा, और दो दिन में उधर भी अंतिम जो है ना प्रसंग वो हो जाएगा। 10 तारीख को माने रविवार को नंदोत्सव सुनाएंगे, बोला
समाप्त करना है ना, पूर्ण करना है ना, तो उत्सव के प्रसंग से पूर्ण होना चाहिए। इसलिए नंदोत्सव से 11वें स्कंद को पूर्ण करेंगे, यही ठीक लगता है। तो नंदोत्सव माने भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कैसा नंदोत्सव मनाया जाता है, वो 10 तारीख को दोनों समय चलाएंगे, बोला उदय भी और शाम भी दोनों समय नंदोत्सव, और 9 तारीख तक ये 11वां स्कंद दोनों पक्ष का, शाम का भी और उदय का भी 9 तारीख को पूरा कर देंगे। मंगल से समाप्त करना चाहिए, मंगलादिनी मंगलानि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रपंत है। महावाच्यकार पतंजलि जी ने कहा कि अंत में भी मंगलाचरण होना चाहिए, देखो अंत में भी मंगलाचरण लो, भगवान के जन्म से बढ़ के और क्या मंगल है।